हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड के साथ। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं सोना प्रिसिजन के बारे में। तो पहले इसके फाइनेंशियल नंबर्स की बात करेंगे, फिर आते हैं इनके चार्ट्स पर और डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस करके कि हम लोग को फिलहाल अभी बाय करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए, और जो पहले से पोजिशन लेके बैठे हैं उनको कैसे अभी मतलब अपना मतलब पोजिशन कैसे रखनी चाहिए, बाय और बाय करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर द स्टार्टर्स, कंपनी क्या क्या करती है ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे। कंपनी ऑटो एंसिलरीज के बिजनेस में ऑटो के पार्ट्स बनाती है। और तो और एक चीज और हमारी नोट करने वाली होगी कि इनका मेन काम अभी ईवी सेक्टर में इनका अच्छा खासा काम आने वाला है। और तो और एक जो मेजर प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये गाड़ी के लिए, जो काफी कंपनियां और ऑटो एंसिलरीज नहीं बनाती है, वो है डिफरेंशियल गियर्स। अब डिफरेंशियल गियर क्या होता है उसके लिए डिटेल में जानने के लिए एक वीडियो डाल रखी है अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में वीडियो को, तो वहां जाकर देखना, अच्छी वीडियो डिटेल में समझाया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। मार्केट कैप देखेंगे 30,000 की है, जो उसमें को ऑलमोस्ट लार्ज कैप में डाल देती है। प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है बुक वैल्यू से, स्टॉक की पी ज्यादा है, इंडस्ट्री पी बहुत कम है उसके हिसाब से। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी आइडल है। प्रमोटर होल्डिंग हेल्थी है, सेल्स ग्रोथ इनकी बहुत ज्यादा है, मतलब 40% कुछ ना कुछ तो होती है, अच्छी खासी है उसके हिसाब से। प्रॉफिट ग्रोथ अगर उतनी भले ही ना हो, लेकिन फिर भी सेल्स ग्रोथ ज्यादा है तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ता जाता है अच्छा खासा। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये भी अच्छा है। यहाँ पे फेस वैल्यू 10 की है और डिविडेंड अच्छा खासा दे रही है 0.30% का 10 रुपए के हिसाब से। और यहाँ पे कौन से बैंक है तो देखेंगे 15.4 टाइम बुक वैल्यू की स्टॉक का प्राइस 15.4 टाइम ज्यादा बुक वैल्यू से हम लोग देख चुके हैं। कंपनी का डेट कम हुआ है और अब ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गई कंपनी। आगे आने वाले क्वार्टर इनका हो सकता है अच्छा हो। और कंपनी 50.2 CAGR से अच्छा खासा इनकी प्रॉफिट बढ़ रही है कंपनी की। और डिविडेंड पे आउट हेल्दी है इनका, ये इसमें दिया हुआ है। बाकी इनके पीयर से कंपेयर करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखेंगे पिछले, तो थोड़ा पीयर से इनके कंपेयर करेंगे तो कम है, और खास करके मार्केट कैप के हिसाब से। मार्केट कैप के हिसाब से इनकी थोड़ी सी सेल्स और ज़्यादा हो सकती थी, बट क्योंकि इनके पास थोड़ी बहुत वो है कि बाकी इनके पीयर्स वो सब प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं अभी, वो तो थोड़ा इनके पास एक थोड़ा सा एज आ जाता है कि हमारे पास थोड़ा अलग प्रोडक्ट है बाकी। ओपीएम देखेंगे तो 24% का है, ये भी अच्छा खासा है। डेट देखेंगे तो रिजर्व से ऑलमोस्ट 10% है, तो कुछ खास मायने रखता नहीं है डेट। और ईयरली प्रॉफिट पे आएंगे तो यहाँ प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ता है, सॉरी सेल्स रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिख रहा है। 331 से ऑलमोस्ट 2001 के आसपास आ गया। ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो ओपीएम इनका 28% मतलब ऑलमोस्ट 30% से 20% के बीच में वैरी करता रहा, जो 20 इनफैक्ट 2 ही साल का, उसके बाद अपना 25 के ऊपर ही है, तब अच्छा मतलब। बाकी और देखने वाला ये होगा कि नेट प्रॉफिट भी इनका कॉन्स्टेंटली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में कम है, बट अगले साल देखते हैं फिर क्या होता है। ईयरली देख रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे शेयर कैपिटल थोड़ा सा बढ़ा है यहाँ पे अचानक से, ये देखने वाली चीज होगी। अगर कुछ खास मिलता है, अगर कुछ गड़बड़ मिलता है तो उसको देख के बताते हैं। फिलहाल अभी रीड नहीं किया तो उस पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। अभी रिजर्व से इन्होंने अच्छा खासा मेंटेन कर रखा है। कैश फ्लो इनका अभी पॉजिटिव है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, ऑपरेशन से पॉजिटिव है, भले ही इन्वेस्टिंग और फाइनेंस में कम हुआ है, बट उसमें कोई मतलब नहीं होता। हमें मेन है ऑपरेशन से देखने वाला कि ऑपरेशन से कितना पैसा आ रहा है कंपनी में। बाकी देखेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग हेल्दी है, एफआई थोड़ा कहीं ना कहीं एग्जिट किया है, 5% कम किया है, 5.9% कम किया अपना स्टेक। डीएस ने अपना स्टेक बढ़ाया है थोड़ा बहुत, पब्लिक ने भी थोड़ा सा बढ़ाया है, थोड़ा सा मतलब इधर भी ज्यादा न्यूज में आ गया था यह स्टॉक, ज्यादा जहाँ पे न्यूज में आता है वहाँ पे थोड़ा सा डर ही लगता है हमको, बट कंपनी ओवरऑल अच्छा काम कर रही है। कंपनी अच्छा काम कर रही है और थोड़ा सा इनके पास प्रोडक्ट्स के जो मैन्युफैक्चर जो अपने प्रोडक्ट्स कर रहे हैं वो सारी कंपनियां नहीं करती हैं, तो ले देके थोड़ी सी इनके पास मोनोपोली नहीं कहेंगे, वो थोड़ा सा एक एडवांटेज आ जाता है इनके पास। बाकी देखेंगे तो यहाँ अभी कंपनी डाउन ट्रेंड में है, जब तक इस ट्रेंड को क्रॉस नहीं करती तब तक इसमें हम बाई नहीं कर सकते। बहुत से लोग इसमें इसको मतलब कह रहे हैं कंपनी की बेकार है, कर नहीं पाएगी आगे परफॉर्म, बट कंपनी हो सकता है कभी कभी शेयर के प्राइस फ्यूचर्स के सेल्स देख के और फ्यूचर कैसा परफॉर्म करेगी बिजनेस उसके हिसाब से भी कभी कभी प्राइस भागने लगती है। तो वहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये रैली जो थी वो यही चीज़ थी, काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे, तो अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला था, यहाँ से फॉल आ गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनकी प्राइस ओवर वैल्यूड हो गई थी, तो कहीं थोड़ा सा तो नीचे आना बनता ही गया, तो यहाँ से वही अब रिजेक्शन मिल रहा है, ऊपर से रिजेक्शन मिलते हुए नीचे आया है। अब आप लोग यहाँ आने वाले समय में 500 से नीचे भी आता है तो सरप्राइज मत होइए, क्योंकि अभी भी थोड़ी सी यहाँ पे बात करें तो ओवर वैल्यूड ही है, बट जरूरी नहीं है कि इसको अभी कंपनसेट करना है सब आगे चल। हो सकता है यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देके हम लोग को दोबारा एक रनअप दे दे,
फ्यूचर में चल के कंसोलिडेट कर जाए अपनी, बाकी जो उनकी फंडामेंटल तो कैचअप कर जाएंगे प्राइस के साथ। हमेशा प्राइस कैचअप नहीं करता फंडामेंटल के साथ, ये भी समझने वाली चीज़ है। तो आगे आने समय में कुछ भी हो सकता है, यहाँ से डाउन भी जा सकता है, यहाँ से अप भी जा सकता है। जो पोजिशन बनाए हैं लोग यहाँ पे, जो पोजिशन यहाँ के आसपास बनाए हैं, अगर वो नीचे जाता है तो यहाँ से थोड़ा सा मतलब अपनी पोजिशन लाइट कर सकते हैं। एग्जिट कर रहे हैं कोई मतलब नहीं, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, पड़ी हुई है, तो उसमें कोई फायदा नहीं है एग्जिट करके। मतलब रिटर्न देगी इन फ्यूचर, ये तो मतलब कंपनी जब तक अच्छा परफॉर्म कर रही है तब तक गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि रिटर्न देगी, जब तक अच्छा काम कर रही है मैनेजमेंट तब तक। फिर उसके बाद अगर इस लेवल के नीचे क्लियर करती है तो यहाँ तक आते हुए दिख सकती है, फिर 390 के नीचे फिर हो सकता है फ्री फॉल है, फिर यहाँ पे कोई अच्छा खासा सपोर्ट है नहीं तो कहाँ तक आएगी, फिर कुछ कहा नहीं आ सकता। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग को इतना ध्यान रखना है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को जो डाउनफॉल जो हमें देख रहे हैं इसके ऊपर जाती है तो हम लोग बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, और फिर अपने लेवल्स ड्रॉ करके इन लेवल्स तक के लिए, यहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, और फिर ये अपना लेवल है इनके लिए ट्रेड कर सकते हैं आने वाले दिनों। इसी के साथ चलते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना, मिल देंगे अगली वीडियो में, ओके बाय।